बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास हम अपने प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 4 में क्रेडिट की क्रिएशन को डिस्कस किया था, उसके फार्मूले को डिस्कस किया था, उसके टेबल को डिस्कस किया था, एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था कि किस तरह बैंक जो है वो क्रेडिट की क्रिएशन करता है। अब हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनको ब्रोकर ला कर बैंक जो है क्रेडिट की क्रिएशन करता है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो इशू ऑफ लोन्स, इसको हम पहले ही शुरू दिन से, जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है, हम इसको डिस्कस करते हुए आए हैं कि बैंक का जो मेन मकसद होता है, बैंक का मेन जो काम होता है फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज़ टू इशू लोन्स, टेकिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। ये बेसिक एक फंक्शन होता है बैंक का जो कि मदद करता है इसमें क्रेडिट क्रिएशन में, ठीक है। आगे अगर हम चलें, प्रोविजन ऑफ ओवरड्राफ्ट, पहले हमें ओवरड्राफ्ट को समझना होगा, उसके बाद हम समझते हैं कि ये समझेंगे कि टेक्निक्स में क्यों लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बेसिकली एक बिजनेसमैन को दी जाती है जिसकी बैंक की नज़र में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है। अगर बिजनेसमैन बहुत सी पेमेंट रिसीव कर रहा है और बहुत सी पेमेंट दे रहा है, इशू कर रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी बैंक की नज़र में बहुत अच्छी है, वो एक अच्छा कस्टमर है, अच्छी ऑनेस्ट भी है, ठीक है, पैसे लेके नहीं जाता किसी के, तो फिर जो बैंक है वो कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब है क्या, लेट्स से कि बिजनेसमैन एक चेक इशू कर रहा है और या फिर चेक इशू करने वाला है और बैंक की तरफ से ये कॉल आती है आप बैंक बिजनेसमैन को कि आपके अकाउंट में पैसे इतने मौजूद नहीं हैं। लेट्स से उसे इशू करना है 6 लाख रुपये और उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 5 लाख रुपये, 1 लाख का डिफरेंस है, 1 लाख का शॉर्टफॉल है और 6 लाख की पेमेंट जो है अर्जेंट करनी है उसे, ठीक है। तो बैंक उसको ये फैसिलिटी देगा कि आप जो है पैसे मजीद मैं आपको एज अ शॉर्ट टर्म लोन जो है इशू कर देता हूँ 1 लाख रुपये, ठीक है। तो वो अब जो बिजनेसमैन है वो जब चेक इशू करेगा, वो जाहिर है चेक की फॉर्म में इशू करेगा, जो पेमेंट इशू करेगा वो चेक की फॉर्म में इशू करेगा। ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है बैंक की तरफ से कि आपने जो पेमेंट इशू करनी है, जो भी पेमेंट देनी है, वो आपने चेक की फॉर्म में देनी है, ठीक है। फिर अगेन वही प्रोसेस को रिकॉल कीजिए कि चेक की फॉर्म में किया है तो इसका मतलब वो अमाउंट कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं डिपॉजिट की जाएगी, और जब डिपॉजिट है तो उसका कोई ना कोई CRR निकलेगा और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये है प्रोविजन ऑफ ओवरड्राफ्ट। अब आगे चलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE से मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज। इस वर्ड को आप काफ़ी मरतबा सुन चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग कौन करता है, कब करवाया जाता है। मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक जो कि एक कस्टमर के पास होता है, बैंक के कस्टमर के पास होता है, जो कि उसने अगेंस्ट किसी न किसी सेलिंग के अगेंस्ट में हासिल किया हुआ होता है, ठीक है। उसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है, फॉर एग्जांपल उसकी मेच्योरिटी डेट है कि 90 डेज में आपके पास जो आपने गुड्स सेल आउट किए हैं 90 डेज बाद आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन उस बिजनेसमैन को अगर उस 90 डेज से पहले पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो वो फिर क्या करेगा, वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बैंक जब ये बिल डिस्काउंट कर रहा होता है तो वो फिर पेमेंट जो करता है वो चेक की फॉर्म में करता है या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है और उसको हिदायत करता है कि आपने जो ये पेमेंट करनी है ये चेक की फॉर्म में करनी है, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस कि जब चेक की फॉर्म में करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई डिपॉजिट, देन कोई CRR, देन कोई एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से यहाँ मुराद इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, ठीक है। जब भी बैंक इन किसी चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करता है वो चेक की सूरत में कर रहा होता है। जब वो चेक की सूरत में करता है तो फिर अगेन वही प्रोसेस। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि बैंक यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जो मेन काम है वो सेम रहेगा, ठीक है। यानी जो चेक की डिपॉजिट का, फिर उसके बाद उसके CRR का, देन उसके बाद उसकी एडवांसिंग ऑफ लोन्स का। मनी एट कॉल, अच्छा मनी मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनको पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो जो अमाउंट उनको पे किया जाता है फौरी तौर पे, वो उसको हम कहते हैं मनी एट कॉल, ठीक है। वो भी पेमेंट किस तरह की जाती है, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर अगेन जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो वही है कि बैंक हिदायत करता है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो चेक की सूरत में करनी है, ठीक है। परचेज़ ऑफ एसेट्स, ये भी जैसे इन्वेस्टमेंट की तरह है कि जब भी कोई बैंक कोई भी एसेट्स ख़रीदता है,
कोई भी एसेट्स की परचेजिंग करता है तो पेमेंट जो करता है वो चेक की सूरत में करता है, ठीक है, या फिर अकाउंट पर ट्रांसफरेंस की सूरत में करता है। तो अगर जब अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो कोई ना कोई पेमेंट उसकी निकाली जाएगी चेक के ज़रिए से, ठीक है। चेक के ज़रिए से निकाली गई तो जाहिर है वो किसी ना किसी की डिपॉजिट और देन CRR देन एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं लेकिन उसके बैकग्राउंड पे काम जो है वो एक ही हो रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ टेक्निक से बैंक जो है क्रेडिट की क्रिएशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कमर्शियल बैंक के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।